हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर दो टेक्निकल टर्म। पहला है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर। तो एकदम नए टर्म्स हैं आपके लिए, तो उसको अच्छे से समझिएगा। थियोरेटिकल टॉपिक है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको करा देंगे। दोनों टर्म अच्छे से आपको हम फील देकर समझा देंगे, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर। साथ ही साथ आज हम आपसे ये भी बात करेंगे कि जो कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसका कॉज क्या होता है। कुछ सब्सटेंस होते हैं ना जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, सो कैसे वो करते हैं, तो एकदम उसके बेसिक पे जाएंगे, एटॉमिक स्केल पे जाएंगे और कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल की बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको आज ये इंट्रोडक्शन देंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। बहुत डिटेल में उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पर आज उसका भी हम बेस आपको बता देंगे कि कैसे क्लासिफाई करते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। शुरू करें, सबसे पहले कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल देखते हैं। तो ये दो टेक्निकल टर्म मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर समझेंगे, और लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एज डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर, किसी मैटर में मैग्नेटिज्म कैसे होता है। ठीक, तो बच्चों कोई भी हमारे पास मैटर है, पॉइंट वाइज समझते हैं इसको, कोई भी हमारे पास मैटर है बच्चों, तो वो किससे बना है? आप बोलोगे एटम से बना है। और एटम्स किससे बने हैं? एटम्स बने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से, यानी एक न्यूक्लियस और उसके अगल बगल घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, यही है एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता हुआ। बोहर मॉडल को हम ट्रू मान रहे हैं, है ना, वरना अभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वेव बन जाएगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्वांटम मैकेनिक्स को। तो हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है अबाउट न्यूक्लियस, बोहर मॉडल को ट्रू मानते हुए। अच्छा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो क्या ये करंट जनरेट करेगा? बिल्कुल। करंट क्या होता है? मोशन ऑफ चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमे इस तरह से, तो एक करंट बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे, बोलो सही, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेरी सॉरी, ऐसे बन जाएगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने से करंट बनता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमा जिसकी वजह से करंट बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो तो क्या ये करंट कैरिंग लूप हो गया? और हमने आपको पढ़ाया है करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल, यानी ये करंट कैरिंग लूप, नाउ दिस करंट लूप behaves as magnetic dipole, ठीक है। यहां पे एक न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन, मान लिया कि ऐसे घूम रहा तो करंट ऐसे हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वजह से ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक्चुअल में मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है? मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, और उस ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक करंट, और करंट कैरिंग लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, याद है पढ़ा हमने, वेक्टर एम इसका सिंबल यूज किया था हमने, इज इक्वल्स टू आई इनटू ए, आई होता है करंट, ए होता है एरिया वेक्टर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो ऐसे, और जिधर थंब पॉइंट करे वो मैग्नेटिक
डाइपोल का डायरेक्शन या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। देखो करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा हमने माना, तो करंट ऐसे, और ये थंब नीचे पॉइंट किया, ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल को, ए ए ए ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? साउथ से। किसकी वजह से बना ये? इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमा तो करंट ऐसे ऐसे घूमा और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एटम किसी एटम में होता है तो वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी एटम का, वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं होता। जरा ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, अब एटम की बात कर रहे हैं, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, ऑफ एन एटम इज ड्यू टू एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है इज ड्यू टू फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो इसी की वजह से ये जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा, ये कंट्रीब्यूट करता है एटम के मैग्नेटिक मोमेंट में। साथ ही साथ इज ऑल्सो ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या चीज है? आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन नहीं करता, वो अपनी ही जगह पे स्पिन भी करता रहता है, ऐसे जैसे अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही और सन के अगल बगल रिवॉल्व भी कर रही। तो रिवोल्यूशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट समझ लिया। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे स्पिन करता है तो उसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा सकते, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अगेन, और अभी बताएंगे क्यों नहीं समझा रहे, उसका भी रीजन है। थर्ड इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी अपना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है और एटम भी रैंडम मोशन करता है, तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा तो करंट बनेगा, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज मेनली ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, है ना? जैसे एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लो दो आ रहा है 2.0, तो 0.1 यहां से 1.8 यहां से, मतलब मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों से है। इन दोनों की वैल्यू काफी कम होती है व्हेन कंपेयर टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट। इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट से ये दोनों बहुत कंपेरेबल नहीं, इसीलिए हम इनकी ज्यादा स्टडी भी नहीं करते। और इसका एक हमने कहानी बताई कि इन दोनों को समझने के लिए यू नीड टू नो क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सिलेबस में है, मतलब है पर इतना डिटेल में नहीं है, आप तो बेसिक पढ़ते हो मैकेनिक्स। इसलिए इन दो पॉइंट्स पे हम गौर नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की वजह से होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब एक बात बताओ, क्या एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। भाई यहां तो एक ऑर्बिटल दिखाइए, और भी ऑर्बिटल्स होंगे कि नहीं? ऑर्बिट्स होंगे कि नहीं? ऑर्बिट है, नॉट ऑर्बिट, और भी ऑर्बिट्स होंगे, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन गोल। पहले तो समझो, इलेक्ट्रॉन का ये वाला फैक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से फर्क नहीं पड़ता इतना। अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट हम जोड़ेंगे और उससे मिलेगा एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? ये टू पॉइंट नंबर थर्ड, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट
ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन को देखना होगा, सबके ऑर्बिटल मोशन को देखना होगा कैसे गोल गोल घूम रहे। बोले यहां तक समझ में आया? नोट करो, इतनी कहानी भी और अंदर जाएगी। यहां तक बातें समझ में आई? किसी भी मैटर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आती है? एटम से। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने से करंट बनता है, करंट के बनने से एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन होता है, उससे मैग्नेटिक मोमेंट, एक स्पिन मोशन उससे ही बनता है, और एक न्यूक्लियस के मोशन से भी, पर ये दोनों इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। फिर एक एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम। इतनी बातें नोट करें, नोट की ये दोनों मिटा दें, हम मिटा दें। ओके अब देखो पॉइंट नंबर फोर्थ। इन सम एटम्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कैंसिल्ड इन पेयर्स, ठीक है, या से लिख लो इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल्ड इन पेयर्स, ठीक है, पेयर में आके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है। समझा रहे हैं? जैसे हीलियम, हीलियम पास दो इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो ये 1s ऑर्बिटल है ये, तो आपने देखा दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में पेयर में है, तो ओवरऑल इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? जीरो। अब ये किसकी बात हो रही है? एटम की, यानी हीलियम के एटम के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। ऐसे सब्सटेंसेस को आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हो। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे केमिस्ट्री के हिसाब से। कई बार पेयर में भी कहानी बनती है, बट जो बेसिक, जो मेन कहानी लिखी गई है शुरुआत वाली रामायण, वो तो समझो पहले, ठीक। तो हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस में क्या हुआ कि हाँ, एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा था उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा भी गोल गोल घूमा उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा बन गया होगा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? जीरो आया, ठीक। बट इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कैंसिल। भाई किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, पेयरिंग ही नहीं हुई है। कई बार आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होते, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिट में, है ना। अब कई बार सिंपल बॉस प्रिंसिपल समझ में आता है, कई बार मतलब एकदम सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल से, कई बार आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे भी जाना पड़ेगा। MOT केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, MOT छोड़ा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बता रहे। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां पे कैंसिलेशन नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं और फेरोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनके पास है। कम है तो पैरामैग्नेटिक, ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक, बहुत ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होती है तब फेरोमैग्नेटिक, है ना। ये कैसे मिलेगा आपको? जब आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत शुरुआत की कहानियां ऐसे ही समझाई गई। तो ओवरऑल हमने बोला कि आज से हम सब्सटेंसेस के अंदर एटम नहीं देखेंगे इस चैप्टर के लिए या इस लेक्चर के लिए। हम ये समझेंगे कि सब्सटेंस डाइपोल से बना है, एटॉमिक डाइपोल। ऐसे सब्सटेंसेस के पास क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस के पास होता है एटॉमिक डाइपोल। इनके पास तो नहीं होगा, इनका तो कैंसिल हो गया इलेक्ट्रॉन का। इनके एक एटम की बात करें, हीलियम के एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, there is no atomic dipole, but ऐसे substances में क्या होगा? atomic dipole, ठीक है। atomic dipole को हम ऐसे ही present करेंगे, atomic
डाइपोल पे ऐसे ऊपर नीचे जैसे ही बना लो, ये हमने एटॉमिक डाइपोल बना लिया। किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो उनके स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बना वो कैंसिल नहीं हुआ, तो ओवरऑल वो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। नोट करें हमको ऐसे सब्सटेंसेस की अब आगे बात ज्यादा करनी है क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, इनमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। डायमैग्नेटिक देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। कैसे बनेगा एटॉमिक डाइपोल? अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ते हैं, डाइपोल को तोड़ दिए। छापे इतना पॉज करके छाप लें, थ्योरी थ्योरी आज के लेक्चर में मिटा रहे इसको, यहां तक समझ में आए? अभी डाइपोल बना, अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आई, अभी डाइपोल बना, मिटा रहे। ओके, तो आपको समझ में आया कि मैटर के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा, इलेक्ट्रॉन की गुल गुल मोशन से करंट बना, करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बना, एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट पेयर पेयर में कैंसिल हो जाता है अपोजिट होके, और अगर अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो एटम के पास एक डाइपोल मोमेंट आएगा और हम एटम की जगह क्या देखना स्टार्ट करेंगे? एटॉमिक डाइपोल। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चार पांच छठा पॉइंट। अब मान लो हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक मटेरियल पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक जिनके पास एटॉमिक डाइपोल है, उसका हमारे पास कुछ स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ऑफ मैटर है हमारे पास। अब स्पेसिमेन ऑफ मैटर में क्या होंगे? करोड़ करोड़ एटम्स होंगे, है ना? तो हम बोलेंगे इसमें इसके अंदर देयर आर करोड्स ऑफ एटम्स, और एटम्स होंगे तो बच्चों क्या होंगे? एटॉमिक डाइपोल्स। तो क्या ये सब्सटेंस मैग्नेटिज्म शो करेगा? अब यही देखते हैं। मान लो यहां कोई मटेरियल है, इसके अंदर एटम्स नहीं, इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल है, एटम की जगह गोल गोल की जगह में एटॉमिक डाइपोल, जैसे यहां एक एटम है तो इस एटम की जगह हम एटॉमिक डाइपोल बनाएंगे, ठीक? एटम को रिप्लेस कर देंगे एटॉमिक डाइपोल से, क्योंकि हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से लेना था। अच्छा, आपको पता है कि एटम्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो किसी का एटॉमिक डाइपोल बच्चों ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे, 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 समझ लो रैंडमली अलाइंड मैग्नेटिक डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली अलाइंड इन दिस सैंपल। देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप इसका एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर लो कहीं पे, मान लो हमने ये वॉल्यूम कंसिडर किया इसका, इस वॉल्यूम के अंदर भी 10 टू द पावर 20 के आसपास एटम होंगे। अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब का वॉल्यूम उठा लें, इसमें से 1 मिलीमीटर क्यूब का हम इसमें से वॉल्यूम उठाएं, तो इसके अंदर भी 10 की पावर 20 के आसपास, ये तो अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, हर एलिमेंट में एटम की डेंसिटी अलग अलग होगी, 20 एटम्स होंगे, या बोल दो 10 की पावर 20 एटॉमिक डाइपोल, और सब रैंडमली अलाइन होंगे। रैंडमली अलाइन होंगे बच्चों तो देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, देख रहे हो? कोई ऐसे कोई ऐसे, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? जीरो आया, कैपिटल एम इज जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट in any unit volume, in any unit volume is still zero, यानी अभी भी ये magnetism की property show नहीं कर पाएगा। अब सुनो क्या करेंगे, मान लो हम एक external magnetic field apply करें, if yeah, on application of an external, ये सब समझ लो तो आगे कहानी आसान लगेगी, इसके बाद magnetization vector magnet सब आसान, ये अगर पूरी कहानी समझ लो, on application of an external magnetic field, अब मान लो यहां पर external magnetic field लगा है, electric field में dipole के ऊपर क्या लगता है? Torque, तो magnetic field में magnetic dipole पे क्या लगेगा? Torque, a torque acts on magnetic dipole, atomic dipole बोल लो, magnetic dipole बोल लो। अच्छा, electric field में, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा याद रहता है आपने शुरू में पढ़ा है, उसमें कोई डाइपोल रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऊपर क्या लगाती थी? टॉर्क लगाती थी, है ना? ऐसे ऐसे फोर्स रखती, और टॉर्क लगा के डाइपोल को
अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेती थी, याद आया? डाइपोल देखो ऐसे लगेगा, घूम के ऐसे आ जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर फोर्स लगेगी QE, इधर फोर्स लगेगी QE, और दोनों फोर्सेस डाइपोल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। तो यहां भी होगा मैग्नेटिक डाइपोल एंड दिस टॉर्क अलाइंस डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ऐसा नहीं कि 100% अलाइनमेंट होगा, नियर अबाउट अलाइनमेंट होगा, कई किताब में दिखा देते हैं सब उस तरफ अलाइन, एकदम 100% नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आसपास कुछ भी टेम्परेचर है तो थर्मल एनर्जी की वजह से इनका रैंडम मोशन होता रहेगा, जिसकी वजह से अलाइनमेंट बिगड़ता रहेगा, तो कुछ हद तक अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट तो नहीं हो सकते। देखो थोड़े बहुत एटम अभी भी बदमाशी कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द एटम्स विल बी अलाइन और नियरली अलाइन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सटर्नल, तो मोस्ट ऑफ द डाइपोल आर अलाइंड इन इट्स डायरेक्शन, कुछ अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं, बट मैक्सिमम एटम्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अलाइनमेंट बढ़ सकता है अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो या टेम्परेचर घटा दो, अलाइनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड। पहला पॉइंट, डिक्रीज टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर घटा दोगे तो रैंडम मोशन कम हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आपने पढ़ाई है कि टेम्परेचर होने से इनको सबको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, उसके वजह से स्पीड मिलती है, रैंडम मोशन, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो रैंडम मोशन बंद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, जितना स्ट्रॉन्ग लगाओगे अलाइनमेंट उतना ज्यादा, फोर्स उतनी ज्यादा हो जाती है ना, यहाँ पे एम बी फोर्स लगेगी, एम होगा पोल स्ट्रेंथ, बी होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बट इस केस में अब देखो, देयर इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहा, यूनिट वॉल्यूम उठाओ कहीं पे भी, यहां उठा लो, अब इसके अंदर एक ही दो डाइपोल बदमाशी कर रहे हैं, बाकी सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉट जीरो, इन एनी वॉल्यूम इज नॉट जीरो, यूनिट क्या 2 mm³ जो लेना चाहो, यानी ओवरऑल अब हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटाइज्ड हो गया है, क्या हो गया है मैग्नेटाइज्ड हो गया है, और अब पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल से भी ज्यादा होगी। मान लो बाहर से तुमने फील्ड लगाई 10 टेस्ला, तो अंदर फील्ड क्या पता 12 टेस्ला हो जाए, भाई कुछ फील्ड तो इसके डाइपोल भी जनरेट करने लगेंगे, एटम क्या है करंट कैरिंग लूप, तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है करंट कैरिंग लूप, तो ये बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसकी वजह से ये सब अलाइन हुए, जब ये अलाइन हुए तो उन्होंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बनानी स्टार्ट की, ओवरऑल अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से बढ़ गई, जादू हो गया, अब ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, वो सब कहानी आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लगा हटाने पे ये मैग्नेटाइज्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या फेरोमैग्नेटिक कहलाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, फेरोमैग्नेटिक में भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड हटाने में कई बार डाइपोल का अलाइनमेंट खत्म भी हो जाता है तब भी फेरोमैग्नेटिक, तो ये सब मिसकंसेप्शन में बनाओ, अभी इतना समझो, मजा है नोट कर, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, अगर आप पूछोगे मैग्नेटाइज्ड, इट इज मैग्नेटाइज्ड, इट इज मैग्नेटाइज्ड। और एक पॉइंट अपने आप जोड़ लेना, नीचे लिखने के लिए हम, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कंडीशन बिकॉज द मैटर क्रिएट्स सम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। चलो आगे लिखवा देंगे, पहले अभी आगे बता देते हैं, छाप लिया रब कर दे, अब आएगी क्वांटिटी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ये सब किसमें होगा, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में सब नहीं होता, उसमें डाइपोल ही नहीं होते, मिटा दें ओके, उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं, बट उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, चलो हेडिंग लगाएं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर,
मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसके लिए सिंबल हम यूज कर रहे हैं आई। एनसीईआरटी में एम यूज किया है, बट एम हम मैग्नेटिक मोमेंटली यूज कर चुके हैं वेरियस टाइम, तो हम आई यूज कर रहे हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं कंफ्यूज ना हो, एनसीईआरटी इसी आई को एम यूज करता है, ठीक है, पर हम एम मैग्नेटिक मोमेंट हो लेते हैं। चलो इसकी बात करते हैं। मान लो ये कोई गिवन सैंपल है और इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी है या नहीं लगी है, एनीवेज कुछ ऐसी कहानी चल रही है मान लो, ठीक है, कोई गिवन सैंपल। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई इज इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान देना, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जैसे जो चीज हमने भी बताई थी कि एक मिलीमीटर क्यूब या एक मीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी, इसमें से यूनिट वॉल्यूम उठा लो और यूनिट वॉल्यूम के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो रख दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कई बार मैग्नेटाइजेशन बोल देते, कई बार मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते। तो आई वेक्टर इज इक्वल्स टू एम नेट अपॉन वी, ये बन गया फॉर्मूला, एम नेट अपॉन वी। इसकी आपसे कोई यूनिट पूछ ले, फेमस है इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ साइड में आके, आई ए करेंट हो गया एम्पियर में, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ऊपर एम्पियर मीटर स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम किसमें हो जाएगा मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आई है, करंट एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल होगा और फाइनली आपको मिलेगा एम्पियर मीटर इनवर्स, ए एम माइनस, एम्पियर मीटर स्क्वायर ऊपर, नीचे मीटर क्यूब, ए एम माइनस, क्लियर क्लियर। एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर अ बार मैग्नेट, फॉर अ बार मैग्नेट विथ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, लेंथ 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई। करोगे, ट्राई करो खुद से ट्राई करो, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई ट्राई करो, करें हम, पॉज करके ट्राई कर लो, 1 2 3 4 ओके। ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ बोल रखा है स्मॉल एम स्मॉल, लेंथ इसकी दे रखा है 2L, हमको आई की वैल्यू चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है ए, हमें आई की वैल्यू चाहिए, हमें पता है आई इज इक्वल टू वेक्टर एम अपॉन ए। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, अब या तो आई इंटू ए बोल दो, और यहां क्या होगी एम इंटू 2L, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज होता था, याद है, माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस 2L इलेक्ट्रिक डायपोल, इस तरह से एम एम और डिस्टेंस 2L, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ डायपोल डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई सॉरी वॉल्यूम देते हैं वेरी सॉरी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका रॉड का, एरिया इंटू लेंथ कितनी है 2L, एल लेंथ नहीं है 2L, नीचे वॉल्यूम होता है ना, वेरी सॉरी, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ और नीचे वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू 2L, 2L 2L मर गया, आंसर है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, नोट कर। इस तरह से आप आई वेक्टर किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हो अगर आपको उस मटेरियल का एम निकालना आता हो, उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड करना है, यूनिट क्या लगा देंगे एम्पियर
एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब से एम्पियर मीटर माइनस वन। क्लियर है? क्लियर है। एक बात अब लिख लो यहीं पे याद रखने के लिए, क्या नोट लगा के लिखो, नोट नोट, ये सैंपल है, इस सैंपल पे आपने कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सैंपल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ, क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ, सारे डाइपोल करीब करीब एक डायरेक्शन में अलाइन हुए। नाउ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर इज मोर देन बी एक्सटर्नल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो मैग्नेट्स बन गए, ये जो डाइपोल, डाइपोल मतलब क्या मैग्नेट बन गए, ये अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, साउथ से नॉर्थ ऐसे जो लाइन हुए सब, एक मैग्नेटिक फील्ड ये अपनी बना लेंगे, प्लस बाहर की भी मैग्नेट, यानी यहां अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा होगी मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज समझा देते हैं। हेडिंग लगाएं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्लियर है? व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर? मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका नेम क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट, इससे याद रखना, इससे याद रहता है मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइजेशन हो गया, अब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मिटा दे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर को कई बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखने दो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। एक था मैग्नेटाइजेशन, उसको हमने आई लिया, वो क्या था, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और एक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको किताबों में जैसे डिफाइन किया, हम वैसे ही थोड़ा फील देके समझाते हैं, आराम से पॉइंट वाइज पे समझते हैं। मान लो ये कोई सैंपल है, ठीक है, और इस सैंपल में आपने बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, अभी उसकी वैल्यू नहीं लिखा है, आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड लगाने से इसका मैग्नेटाइजेशन होगा, यानी अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल होगा करीब करीब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, करीब करीब, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से कुछ रैंडम मोशन तो बचे ही नहीं। ये अब इस सिचुएशन में नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। इस टाइम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दो फैक्टर से बनेगी। पहला इंटरनल फैक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, सम मैग्नेटिक फील्ड या सम मैग्नेटाइजेशन अकर्स, और इसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल आई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसकी वजह से हम ये नहीं कह रहे ये मैग्नेटिक आई इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बराबर नहीं है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर दैट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, इनसाइड द मैटर, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर, बी नेट इज इक्वल्स टू बी सम इनसाइड फैक्टर से और बी सम इंटरनल फैक्टर से,
और बी सम एक्सटर्नल फैक्टर से, दोनों को ऐड करके है। तो इंटरनल फैक्टर यानी मैग्नेटाइजेशन की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी नहीं पता, कुछ आई से रिलेटेड होगा। जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा बी इंटरनल होगा, जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा बी, ये तो क्लियर है, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा इंटरनल वाली मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक, जैसे अब एक्सटर्नल फैक्टर पहले समझ लो क्या है, जैसे मान लो बाहर से आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो भी मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, या मान लो बाहर से आपने कोई करंट लगा दिया, इसके अगल बगल कोई करंट वाला वायर दौड़ा दिया तो उसकी वजह से भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड। सोचो इसके अगल बगल एक हम एक कॉइल लगाते हैं करंट का, है ना, एक सोलेनोइड रखते हैं इसके ऊपर से घुमा घुमा के करंट कॉइल, तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर लाइक करंट, कॉइल और एक्सटर्नल फील्ड, मान लो एक्सटर्नल फील्ड ही लगा दी, इनकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या जो बढ़िया नाम इसका लगता है मुझको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जो फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर रही है उसकी इंटेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम एच वेक्टर से। किताब में भी एच वेक्टर कोई डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला लिख के समझाता है, बट हम दूसरी तरह समझा रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर रही है उसकी इंटेंसिटी एच वेक्टर। अब सोचो एच जितना ज्यादा बी एक्सटर्नल उतना ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आपके पास ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन, इसी को भी फर्क पड़ता है, अभी आगे समझाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो। एच जितना ज्यादा होता है उससे आई भी बढ़ता है, ये भी एक कहानी है, अब बड़ा सिंपल है, जितनी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे अंदर वाला उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, खैर जितना ज्यादा बाहर से लगाओगे वो भी इसको बढ़ाएगा नेट को और अंदर वाला बढ़ाएगा। यानी हम बोल सकते हैं, अब ध्यान से देखना, बी नेट ध्यान से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई, बोल सकते हैं ये एक्सटर्नल ये इंटरनल, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सटर्नल फैक्टर, मैग्नेटाइजेशन इंटरनल फैक्टर। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट आता है म्यू नॉट एच प्लस आई। म्यू नॉट से हर कोई फेमिलियर है, म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू तो आप देखते ही आ रहे हो बचपन से, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। म्यू नॉट एच प्लस आई, किताब में आगे डिफाइन कैसे करता है आप देख लो, यहां से म्यू नॉट इधर जाओ तो बी बाई म्यू नॉट, किताब में देखो एच कैसे डिफाइन करता है, बोलता है एच इज इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, किताब बोलता है एच इज अ वेक्टर विच इज डिफाइंड एज बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, वो ऐसे डिफाइन ही करते हैं। फील आ गया आपको, व्हाट इज एच, एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी, एच जितना ज्यादा होगा एक्सटर्नल फैक्टर की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, एच और आई को मिलाया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मिली, ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, कॉन्स्टेंट आ गया तो म्यू नॉट आया, एच को डिफाइन करें तो बी बाई म्यू नॉट माइनस आई, एच वेक्टर की डेफिनेशन। कई बार एनसीईआरटी में आई की जगह एम लिया, मिला है, क्लियर है यहां तक, छापे फिर आगे बताएं। तो आपको दो वेक्टर मिले एच और आई, और एच की वही यूनिट होती है जो आई की होती है, ये चीज लिख लो, यूनिट ऑफ एच एंड डायमेंशन ऑफ एच इज सेम एज दैट ऑफ आई, एच की यूनिट सेम एज आई, अरे सिमिलर डायमेंशन वाली चीजें ही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स, डायमेंशन और यूनिटों की सीमित अभी तो ऐड है सब्ट्रैक्ट हो, नोट कर लीजिए, इतना मिटा रहे हैं, आगे बढ़े, दिखाई पड़ रहा है सब क्लियरली, ओके मिटा दिया जाए इसको, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं।
तो किसी सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड दैट इज ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर। अब जरा इसको और समझते हैं कहानी को। हमने बोला जो बी नेट है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई। अब एक बात बताओ, एच जितना ज्यादा होगा आई उतना ज्यादा होगा, ध्यान से, मोर इज एक्सटर्नल फैक्टर एच। एच को जितना ज्यादा लगाओगे, जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मोर विल बी आई, मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए कहानी अलग है, वहां उल्टा होने लगता है, जितना लगाओगे आई उतना नेगेटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है, जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी उतना ज्यादा अंदर मैग्नेटाइजेशन। तो इसके लिए भी एक नया कांस्टेंट आया, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद और बात करते हैं, डिटेल्स लेटर, थोड़ी देर रुको, जब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में क्लासिफिकेशन बताएंगे तो इसके बारे में बात करें। अभी समझो एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, है ना, जीटा भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडम मोशन जम 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 बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन होना कम हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन कम हुआ मतलब जीटा कम हो गया होगा। एनीवेज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का जीटा अलग अलग होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जीटा, ही तो बता रहा है कि कौन कितना अच्छा मैग्नेटिज्म शो करेगा। सोचो जिसका जीटा जितना बड़ा वो एक्सटर्नल फील्ड को अपने अंदर उतना बढ़िया इनकॉर्पोरेट कर लेगा, समझो, बाहर से किसी ने थोड़ा सा धक्का दिया अब अंदर वाला बढ़िया का पूरा धक्का अपने अंदर ले लेगा, बाहर से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड मिली, अगर कोई मटेरियल बदमाश होगा तो सारी मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले लेगा, कोई बदमाश नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को जान लेगा। अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं यहां पे, सो कैन वी राइट, कैन वी राइट बी इज इक्वल्स टू बी नेट को मैं बी बोल दू, चलो बी नेट ही बोलते हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई की जगह जीटा एच, एच जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा, तो आई इज इक्वल टू जीटा एच यूज कर सकते हैं, यूज किया हम बोल सकते हैं बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा इंटू एच, बोल सकते हैं बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा इंटू एच, कह सकते हैं, बोल सकते हैं म्यू नॉट वन प्लस जीटा इंटू एच, कह सकते हैं। अब जरा सर थोड़ी देर दीजिए, मान लो इफ देयर इज नो मटेरियल मतलब इफ देयर इज वैक्यूम, समझो कहानी मस्त है, इफ देयर इज वैक्यूम, मान लो वैक्यूम है और वैक्यूम में आपने एच अप्लाई किया, वैक्यूम में आपने एच अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मान लो एच, तो वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं, देन आई विल बी जीरो, बोलो समझ में आता है, अरे भैया वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई डायपोल ही नहीं है, देयर आर नो डायपोल्स, एज देयर आर नो डायपोल्स, कोई डायपोल्स ही नहीं है तो अलाइनमेंट ही नहीं होगा, तो मैग्नेटाइजेशन किसका होगा, तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर तो जीरो हो जाएगा। अरे भाई अगर मान लो हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को वैक्यूम में अप्लाई करें तो वैक्यूम में इंटरनल फैक्टर तो जीरो होगा, मटेरियल के अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, वैक्यूम में कोई एटम ही नहीं होता, कोई डायपोल ही नहीं बनेगा, बट इस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम बोलेंगे बी नॉट, बी नॉट मतलब नो मटेरियल,
जीरो का मतलब क्या होता है, नॉट होता है ना, बी नॉट मतलब नो मटेरियल, तो बी नॉट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, अग्री, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। बड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में कि एक्सटर्नल फैक्टर एच लगाया तो जो मैग्नेटिक फील्ड नेट मिली दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच, वेयर म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, बोला ना परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम। नोट करो फिर समझाए, इतना नोट करो फिर कहानी और आगे बताए, थ्योरेटिकल है, थोड़ी थोड़ी कहानी समझनी है, नोट करिए बताए आगे, छाप लिया, छाप लिया, पॉज करके नोट करें। क्या बोला हमने, क्या बोला, क्या बोला हमने, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड एनी मटेरियल दैट इज म्यू नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटाइजिंग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल सकते, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी प्लस आई, जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज म्यू नॉट आई, जो बनती है वो म्यू नॉट आई है, और इसकी वजह से जो क्रिएट हुई म्यू नॉट एच। तो जब वैक्यूम में आओगे तो म्यू नॉट आई वाला जीरो हो जाएगा, वैक्यूम में डाइपोल ही नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वैक्यूम इज ओनली म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच, वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यानी सुनो 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 सुनो, यानी एच लगाने पर, एच लगाने पर बी मिलता है, वेयर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, वेयर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ दिस मीडियम, व्हाट इज दिस मीडियम, वैक्यूम। इसी तरह से हम यहां पे भी बोल सकते हैं दैट बी इनसाइड दिस मीडियम, बी नेट की जगह बी मीडियम लिख सकते हैं, कोई मटेरियल है जिसकी बात हो रही है, मान लो ये मटेरियल इनसाइड दिस मटेरियल, ये एक्सटर्नल फील्ड है, बी इनसाइड दिस मटेरियल इज इक्वल टू, अच्छा म्यू नॉट कांस्टेंट, जीटा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो हम बोल सकते हैं बी मटेरियल या बी मीडियम इज इक्वल टू म्यू एच। सुनो सुनो सुनो, वेयर म्यू इज परमियाबिलिटी of medium, material, permeability of material, लेकिन permeability of material। अब कुछ लग रहा है सही कि H लगाने पे vacuum पे होता है mu not H, H लगाने पे material में होता है mu H, where mu is permeability of material and you can define mu as mu naught into 1 plus जीटा। बहुत से फॉर्मूले आ गए हैं, नोट करें। हमने बोला नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एच एक्सटर्नल फैक्टर से, म्यू नॉट आई इंटरनल मैग्नेटाइजेशन से। फिर हमने बोला ये जो आई होता है ये एच पे ही डिपेंड करता है, जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी उतना मैग्नेटाइजेशन। हमने बोला आई इज इक्वल टू जीटा, जीटा कोई कांस्टेंट है मटेरियल का, सस्पेक्टिबिलिटी नाम का, ये बताता है कितना ज्यादा मैग्नेटिज्म को ये अपने पास रखेगा, जो बाहर से दी जा रही है उसमें से कितना अपने पास रखेगा। ठीक है, फिर हमने कहा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस जीटा एच, आई की जगह जीटा एच रख दिया, फिर हमने 1 प्लस जीटा बाहर लिया, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इनटू एच। फिर हमने कहा रुको जरा, हमने कहा अगर कोई मटेरियल नहीं होता, वैक्यूम होता, तो आई जीरो होता, मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता था, उस टाइम एच लगाने पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलती, म्यू नॉट एच। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच बोल सकते हैं, वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि अभी मीडियम या मटेरियल कौन है, वैक्यूम खुद, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो क्या मटेरियल के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू म्यू एच, भाई ये सारे कॉन्स्टेंट तो मटेरियल पर डिपेंड करेंगे, मतलब ये तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट हुआ और ये तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, तो हम बोल सकते हैं बी ऑफ मीडियम इज म्यू एच, वेयर म्यू इज परमिबिलिटी ऑफ मीडियम या मटेरियल, और परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल को आपने डिफाइन कर लिया म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। क्लियर हुआ, और समझाते हैं, देखो रिलेटिव परमिबिलिटी कांसेप्ट पढ़ाते हैं, पहले इतना नोट कर लो, आप ये फॉर्मूला मन में याद रखोगे, आप ये फॉर्मूला मन में याद, ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद रखो, बाकी सब हो जाएगा अपने आप, और ये पकड़ लो। फिर से बात करें, चलो एक बार रिलेटिव परमिटिविटी कंसेप्ट को लेके इन्हीं बातों को फिर से डिस्कस करते हैं आराम से। देखो हुआ क्या है, नए टर्म्स आए हैं जीवन में,
नए टर्म आए हैं जीवन में तो भाई जान निकलने लगी है, ये क्या हुआ। देख हम बात करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी की, रिलेटिव परमिएबिलिटी की फील देते हैं आपको। रिलेटिव परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यही तो होगा ना। जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, वहां पे क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसमें भी हम यही करते थे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी था, यहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम या मटीरियल ऑफ मटीरियल ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यहां से भी बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ मटीरियल इज इक्वल्स टू म्यू आर इनटू म्यू नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी नहीं आया फिर, और उसका फील लेते हैं, और इसका फील लेते हैं। मान लो हमने एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाई, किसमें लगाई, इन वैक्यूम, ध्यान से सुनो, इसका फील आ जाएगा, गारंटी गारंटी, इन वैक्यूम, वैक्यूम में लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। भाई यही तो बनती है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, म्यू नॉट एच प्लस आई। कहीं पे भी अगर आप एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाओगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट एच प्लस आई। अब आपको पता है कि वैक्यूम के लिए म्यू नॉट एच तो बचेगा, प्लस म्यू नॉट आई वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यानी वैक्यूम में आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। चलो इतनी बात समझ में। अब इसी एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम किसी मटेरियल पे लगाते हैं, इन सम मटेरियल, मटेरियल पे लगाओगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल क्या होगी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। मटेरियल में तो ये भी रहेगा कि नहीं, है ना, मटेरियल पे आप लिख सकते हो म्यू नॉट एच प्लस आई। आई एच पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ज्यादा आई, तो हम बोल सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस जीटा एच, जीटा को बाहर निकाल, सॉरी एच को बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट एच ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस जीटा। अभी इसी म्यू नॉट वन प्लस जीटा को हमने क्या, देखो देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो एच लगाने पे कितना आया म्यू नॉट एच, तो यहां एच लगाने पे कितना आया म्यू एम एच। ये हमने इसको साथ देखने एक जैसा दिखे, इसलिए एच लगाने पे मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में कितनी बनी म्यू नॉट एच, तो एच लगाने पे मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी म्यू एम एच, वेयर म्यू एम इज दिस क्वांटिटी, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा। अब देखो दोनों कैसे लग रहे, म्यू एम क्या, मटेरियल की परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ये पूरा टर्म देखो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट हो गया, जीटा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इस पूरे को हम बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल। कहीं में भी एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दिखे तो वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू टाइम्स ऑफ एच, वेयर म्यू इज परमिबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, वैक्यूम की बात की तो म्यू नॉट, मटेरियल की बात की तो म्यू एम, वेयर म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट वन प्लस जीटा। क्लियर है, और फील दे, और फील दे, मिटा रहे इसको, नोट कर लिया, नोट कर लिया, 1 2 3 4 5 और फील दे, रिलेटिव परमिबिलिटी से फील ले लेते हैं थोड़ी सी को। व्हाट इज रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी इज म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू नॉट। अच्छा बी नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एच, यहां से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट बटे एच। इस तरह से बी ऑफ मीडियम कितना है,
म्यू एम एच, तो ऊपर म्यू एम की जगह आप लिख सकते हो बी ऑफ मटेरियल अपॉन एच, एच एच कैंसिल, बी ऑफ मटेरियल अपॉन बी ऑफ वैक्यूम, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सो व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी? इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड ऑन इंसर्टिंग अ मटेरियल। जब मटेरियल नहीं था तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, म्यू नॉट एच। मटेरियल लगाने पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन गई, म्यू एम एच। और म्यू एम म्यू नॉट से बड़ा है, तो आप देख ही चुके हो म्यू एम की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट वन प्लस म्यू आर इज फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल। एयर में मान लो मैग्नेटिक फील्ड 10 थी, मटेरियल लगाने के बाद 30 हो गई, तो म्यू आर की वैल्यू 3 है, यानी 3 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। भाई आपने एच लगाई, एयर कह रहा वैक्यूम, आपने एच लगाई, बी नॉट की वैल्यू आपको मान लो मिली 10, ठीक है, फिर आपने एक मटेरियल भी घुसा दिया, अब आपको बी एम की वैल्यू मिल गई 30, यानी ये मटेरियल इसके रिलेटिव में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, 3 गुना। फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल, वहां अलग था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल। डायलेक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती, कितने गुना बढ़ी पता चला। क्या है म्यू आर? म्यू एम बाय म्यू नॉट। देखो म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू ऑफ मीडियम, म्यू ऑफ वैक्यूम, म्यू ऑफ मीडियम पे लिख सकते हो म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, इसका एक फॉर्मूला ये भी बन गया 1 प्लस जीटा। बहुत से फॉर्मूले हो रहे हैं सर, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा, अभी हम समराइज करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन सस्पेक्टिबिलिटी, जितना ज्यादा मटेरियल की सस्पेक्टिबिलिटी होगी उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर लेना चाहेगा, उतने गुना वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई वैक्यूम में, मैग्नेटिक फील्ड से बनी म्यू नॉट एच, आपने मटेरियल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के म्यू एम एच, म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, कितने गुना बढ़ी, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, उसको म्यू आर बोला। नोट करें, एक सवाल करते हैं, थोड़ा और मजा आएगा, मिटा दें इसको। फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल, एक सवाल करते हैं, सवाल करने से और ये पक्का होगा कंसेप्ट। सवाल करते हैं, अ सोलेनॉइड हैज अ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि एयर में वैक्यूम में कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाने पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अगर हम एक मटेरियल डाल दें तो मटेरियल डालते ही मैग्नेटिक फील्ड 400 गुना बढ़ जाएगी, उस मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव परमिटिविटी इज 400। इफ सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स, हैज 1000 टर्न्स पर मीटर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, फाइंड एच, फाइंड बी नेट, फाइंड आई मैग्नेटाइजेशन। चलो करो, यहां पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं, यहां सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग कॉइल, उसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड बन रही है। थोड़ी कहानी समझो, ऐसा नहीं रट रट के बी एकदम रट लिया बच्चों। यहां पे एक्सटर्नल फील्ड की जगह कौन है? सोलेनॉइड, वो करंट कैरिंग कॉइल,
तो उसने क्या किया, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड बनाई। सोलेनोइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वैक्यूम में, म्यू नॉट एन आई उसने बनाई। मटेरियल डालते ही वो मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना बढ़ गई, 400। अब आपसे चीजें पूछा है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बताओ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड। पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5 पॉज करके ट्राई कर लो। ओके लेट अस सॉल्व। सबसे पहले बात करते हैं एच निकालने की। अच्छा एक बात बताओ, ड्यू टू सोलेनोइड हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़ा है कि नहीं, बी बोलते रहे तो हम सिर्फ, कोई मटेरियल नहीं था तो हम बी बोलते थे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़ा है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या बी नॉट म्यू नॉट एच के बराबर होता है? अभी वैक्यूम, अभी मटेरियल नहीं आया, सोलेनोइड करंट कैरिंग कॉइल, इसकी वजह से उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनोइड, इसकी वजह से यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनी बी नॉट, म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन, क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई होता था करंट, दोनों को इक्वेट कर दो, म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, यानी एच की वैल्यू है एन आई। बोलो सही, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम ड्यू टू सोलेनोइड का फॉर्मूला हमें पता था म्यू नॉट एन आई, अनका बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, यहां से एच की वैल्यू मिली एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 पर मीटर बोल सकते हैं, करंट कितना है 2 एम्पियर, कितना आया 2 × 10³ एम्पियर मीटर इनवर्स, देखो यूनिट भी एकदम सही है, 1000 टर्न्स पर मीटर, तो 1000 पर मीटर एम्पियर, क्लियर क्लियर, एच की वैल्यू आ गई कितनी आई 2 × 10³ एम्पियर मीटर। अब बात करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या हुआ, आपने कोई मटेरियल डाला बी नॉट था, अब आपने क्या किया इसके अंदर कोई मटेरियल डाल दिया, सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं, मटेरियल डालते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के कुछ बीएम हो जाएगी। बीएम का फॉर्मूला बताओ मुझे, बीएम का फॉर्मूला होगा म्यू एम इनटू एच, यही होगा, म्यू एम की वैल्यू हमें नहीं पता यार, क्या किया जाए क्या किया जाए, देखो हमें एक रिलेटिव परमिबिलिटी दी हुई है 400, म्यू आर इज इक्वल टू क्या है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, यहां से म्यू एम की वैल्यू कितनी है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, भाई एच तो सेम है, एच क्या होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एच इज नथिंग बट एक्सटर्नल फैक्टर, एच इज एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल तो यही है ना, ये करंट, क्या करंट बदला है क्या नंबर ऑफ टर्न्स, कॉन्सेप्ट समझो है ना, यहां एच सीधा रख के सॉल्व कर दिया, क्यों, क्योंकि H is external factor and external factor has not changed from here to here, पहले वैक्यूम की बात की तब भी वही सोलेनोइड वही करंट वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी भी वही है, तो H तो वही है, जो चेंज हुआ मटेरियल की वजह से, म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू म्यू ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू म्यू आर इनटू म्यू नॉट, यहां से म्यू आर इनटू म्यू नॉट इनटू H, म्यू आर की वैल्यू बोलो कितनी है 400, म्यू नॉट कितना है 4π × 10⁻¹⁷, और एच कितना है 2 × 10⁻³, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 1 टेस्ला, करीब करीब यू विल गेट 1 टेस्ला, सॉल्व करके देख लीजिएगा, करीब करीब यू विल गेट 1 टेस्ला, सो इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई 1.0 टेस्ला। नेक्स्ट आते हैं आई पे, क्लियर है, bm is equal to mh, mm is equal to mr, you know h क्यों सेम रखा है, इसमें क्या थी mu r कितना है 400 mu r, चलो अब लास्ट पे आते हैं i के ऊपर, तो i निकालने के दो तीन तरीके, आप चाहो आप जिस तरह से निकालो, पहला तरीका क्या है मेथड 1 फॉर्मूला यूज कर लो, b in material is equal to mu naught H plus I, you know BM की value, BM कितना है B net, B material 1, mu naught 4π × 10⁻¹⁷, H 2 × 10³ plus I, solve for I, बोलो यहाँ से I आ जाएगा। Method 2 जो कि हम use करेंगे ध्यान से देखें, method 2 ध्यान से देखें, I is equals to zeta H,
आई एच पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर का एक फॉर्मूला आया था अगर याद हो, 1 plus zeta आया था। अरे म्यू आर क्या था, मैं बार बार बताने को तैयार हूँ, म्यू आर क्या था, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, म्यू एम कितना था, म्यू नॉट इंटू 1 plus zeta, तो म्यू आर की वैल्यू है 1 plus zeta, यहां से जीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर माइनस 1, याद यही बात रखना होता है, म्यू आर माइनस 1, तो आप लिख सकते हो म्यू आर माइनस 1 इंटू एच, म्यू आर कितना है 400 minus 1, 399 इंटू एच इज 2 to the power 3, इसको करीब करीब 400 मान के सॉल्व कर देते हैं, 400 इंटू 2 800, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 यूनिट क्या होगी एम्पियर मीटर, अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10 टू द पावर 5, यहां से भी सेम आंसर आ सकता है। बोलो क्लियर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 1 प्लस जीटा। बोलो कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया, वरना एक बार रिपीट करके देखना इसको पूरा। तो यहां पे आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का कंसेप्ट खत्म होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया, मिटा रहे, ओके। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक on the basis of magnetic susceptibility zeta and relative permeability mu r. Classification of materials on basis of zeta and mu r. On basis of magnetic susceptibility zeta and relative permeability mu r. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। बच्चों ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कोई डायपोल नहीं होता और ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिनोमेना क्या होता है अगले लेक्चर में समझेंगे पूरा प्रॉपर्टी के वाइज कि क्यों रिपेल हुए, अभी इतना समझ में आया कि देखो क्या होता है कि इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होता है, जिधर से एक्सटर्नल फील्ड का नॉर्थ आ रहा है वहां उनका भी नॉर्थ आ जाता है, तो आपस में रिपल्शन, यानी इनके केस में मैग्नेटाइजेशन अकर्स अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तभी तो रिपेल हुआ, उनके डायपोल इनके साथ अलाइन नहीं, पहले तो डायपोल होते नहीं, इसमें इंड्यूस डायपोल बनता है, इंड्यूस डायपोल इनके अपोजिट डायरेक्शन बन जाते हैं अप्लाइड के, तो क्या होता है आई एंड एच आर ऑफ अपोजिट साइन, यार आई इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था जीटा एच, अब आई और एच का साइन अपोजिट है का मतलब एच पॉजिटिव तो आई नेगेटिव, एच पॉजिटिव तो आई नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब जीटा नेगेटिव है, तो इनके लिए जीटा इज नेगेटिव, ऐसे लिखो जीटा इज स्मॉल एंड नेगेटिव, बहुत ज्यादा रिपेल नहीं होते इसलिए स्मॉल, वीकली रिपेल्ड, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, मैंने इधर रखते एक भाग के वीकली रिपेल्ड, इसलिए जीटा की वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव, जैसे एच की वैल्यू आपने 10 रखी तो जीटा की वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव 10 की पावर -6, इस तरह से होती है -10 की पावर -6, छोटी सी तो एक आई आपके पास आ जाएगा, मतलब बहुत कम रिपेल होते हैं, जैसे आपने एच की वैल्यू मान रख दी 2 टेस्ला, 2 एम्पियर पर मीटर, तो आई की वैल्यू आपको मिलेगी सपोज कर लो कुछ 2 - 2 × 10⁻⁸ एम्पियर मीटर, बहुत छोटा सा इंड्यूस्ड डाइपोल मिलेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, वो भी इन दी opposite direction, इसीलिए zeta is small and negative, नहीं समझे आप, मैं फिर समझाता हूँ, h की वैल्यू आपने रखी 2 एम्पियर, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बढ़िया, i की वैल्यू कितनी आएगी 2, एक तो -2 × 10⁻⁸ - 6 एम्पियर मीटर, यानी i छोटा भी आता है और h के अपोजिट भी, यानी zeta को छोटा भी होना चाहिए और
जो मैग्नेटाइजेशन एच ऐसे लगाओगे ना तो छोटा सा मैग्नेटाइजेशन एच के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वीकली रिपेल। अगले लेक्चर में इसका समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये जीटा की बात हो गई, और म्यू आर की बात करें बच्चों, म्यू आर कितना होता है 1 प्लस जीटा। जीटा स्मॉल है बट नेगेटिव, यानी म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1। बोलो होगा 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कि नहीं? जीटा नेगेटिव है ना, नेगेटिव होता 1 से और जीटा छोटा सा है तो 1 से। एक एग्जांपल दे देते हैं कि जीटा की वैल्यू एप्रोक्सीमेट कितनी होती है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द वैल्यू ऑफ जीटा। यहां पे मेरे पास है जीटा इज स्मॉल एंड नेगेटिव। जैसे हमारे पास है डायमैग्नेटिक में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एग्जांपल, नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। इसके लिए जीटा की वैल्यू दी है -5 × 10⁻⁹ एट 300 केल्विन। मैंने बताया जीटा टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जीटा कम हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है, वेरी स्मॉल। तो 1 से बहुत ही छोटा तक कम होगा, स्लाइटली लेस देन 1 म्यू आर। अरे यार 1 में से कितना माइनस हुआ है, -5 × 10⁻⁶, बहुत छोटी वैल्यू होती है जीटा की। इवन और भी किसी सब्सटेंस का पास जीटा है, किसका है हमारे पास, कॉपर का भी जीटा है हमारे पास। कॉपर का जीटा हमको मिल रहा है, कॉपर का जीटा हमको मिल रहा है, कॉपर का जीटा हमको मिल रहा है -9.8 × 10⁻⁶। समझ रहे, बहुत छोटी वैल्यू फॉर डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक की बात करो सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड यानी डायपोल का मैग्नेटाइजेशन उसी अलाइनमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एच वीकली अट्रैक्टेड है। तो देखो आई इज इक्वल्स टू जीटा एच, यहां पे मान लो एच की वैल्यू 2 रखी तो आई छोटा ही आएगा, स्मॉल ही आएगा, ठीक है। आई की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं आएगी, आई की वैल्यू अभी भी स्मॉल ही आएगी। तो जैसे आई की वैल्यू हो गई +2 × 10⁻⁶, प्लस जिस डायरेक्शन में एच उसी डायरेक्शन में आई, यानी जीटा पॉजिटिव तो है बट स्मॉल। यहां लिख सकते हैं आई, पूरी कहानी लिखें मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा आई एंड एच आर ऑफ सेम साइन, तभी तो अट्रैक्ट हुआ ना, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ अलाइन हो गया, ठीक, उसके साथ अलाइन हो गया, वीकली अट्रैक्ट हुआ। इसलिए वीकली अट्रैक्ट हुआ इसलिए मैंने बोला कि जीटा की वैल्यू, जीटा इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है उसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट है बट छोटा है। म्यू आर की बात करें, म्यू आर इज 1 प्लस जीटा। अब जीटा छोटा है, कितना छोटा है, देखो इसका भी एग्जांपल है हमारे पास, जीटा फॉर ऑक्सीजन हम लेके आए हैं, ऑक्सीजन का जीटा ये नाइट्रोजन का 300 केल्विन पे नहीं एनटीपी पे होगा, एसटीपी पे, और ये होगा 300 केल्विन। क्या डेटा है आपको सब, बस एक समझ चाहिए थी, 2.1 × 10⁻⁶ ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी सी, अरे यार कितना छोटा नंबर ऐड हो रहा है, तो म्यू आर इज slightly greater than। लास्ट हमारे पास आते हैं ferromagnetic। ferromagnetic क्या होता है, strongly attracted in external magnetic field, बहुत ही strongly attract होंगे। तो अट्रैक्ट हुए मतलब मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, अट्रैक्ट हुए मतलब सेम डायरेक्शन में, आई एंड एच आर ऑफ सेम साइन, बट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हुए मतलब मतलब इनका आई भी बहुत ज्यादा है। यहां ने बोला था एच की वैल्यू 2 एम्पीयर पर मीटर इनवर्स, तो यहां आई की वैल्यू -2 × 10⁻⁹ एम्पीयर मीटर इनवर्स ऐसी आ रही है, यहां प्लस में, और यहां बहुत ज्यादा आएगी आई की वैल्यू, वेरी वेरी हाई,
यानी इनका जीटा इज वेरी लार्ज, जीटा इज मच 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 ग्रेटर देन 1. सिमिलरली म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस जीटा, म्यू आर इज आल्सो मच 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 ग्रेटर. इनका जीटा हजारों में होता है. समझे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया. फिनोमेना अलग होता है इनके मैग्नेटिज्म का, है ना. सही बताएं तो इनका फिनोमेना एकदम डिफरेंट तरह समझाया जाता है क्वांटम लेवल पे. इनके जैसे फिनोमेना ही नहीं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जीटा हजारों में खेल रहा है इनका. पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, जीटा इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज. मतलब पैरामैग्नेटिज्म का ही एक ये रौद्र रूप है, उसी का एक गुस्सा है लू. बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म. मैग्नेटाइजेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, strongly attracted, jeta is placed in 10,000. हाँ हाँ 10,000 में. म्यू आर की वैल्यू भी 10,000 में, मच मच ग्रेटर देन 1. यहाँ jeta ग्रेटर देन 1 थोड़ा सा, म्यू आर ग्रेटर देन 1 थोड़ा सा, jeta लेस देन 1, सॉरी jeta लेस देन 0 यहाँ पे, एंड म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1. यहाँ jeta इज स्मॉल प्लस स्मॉल एंड नेगेटिव, यानी jeta 0 से सिर्फ बड़ा होगा और म्यू आर 1 से बड़ा होगा. यहाँ jeta, यहाँ जीटा जीरो से छोटा होगा और म्यू आर 1 से छोटा होगा. क्लियर. बाकी इनकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं थोड़ा और डिटेल में. डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, पर ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना. पूछ लेगा किस मटेरियल के लिए जीटा इज मच मच ग्रेटर देन 1, फेरोमैग्नेटिक. जीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, सॉरी म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, पैरामैग्नेटिक. म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, डायमैग्नेटिक. जीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, paramagnetic. Zeta is slightly less than 0, diamagnetic. Zeta is much 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 greater than 1, yahan 1 likh diya na, sorry. Much 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 greater than 0 is ferro. Clear? Yahan 0 se chota hoga, yahan 0 se bada. 1 se to chota hai na, bas 0 se bada. स्मॉल एंड पॉजिटिव. कितना स्मॉल है एक एग्जांपल देखिए, इसलिए आपको फील कराया जीटा कितना छोटा है, जीटा कितना छोटा. नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फिर बात करेंगे हम. अभी याद रखना जीटा इज स्मॉल एंड नेगेटिव, डायमैग्नेटिक. म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, डायमैग्नेटिक. अगर कोई क्या क्लासिफाई करो तो सिंपल तरीका, इसमें म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1, म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एंड फेरोमैग्नेटिक म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1. तो यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.